ओके नाउ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विल बी स्टार्टेड है ना. ओके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. ओपन योर कॉपीज ऑल ऑफ यू. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. If the formulas has been given to you, yes, ma'am. So, what is the formula of present continuous tense? Yes, ma'am. Subject. Tell me the formula of present continuous tense. Hello, students. Positive. Present continuous tense का positive का formula बताइए. Subject plus is MR. Subject plus is MR. प्लस वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यस प्लस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके Now, next interrogative. Tell me. Is MR. Is MR. Plus subject. Plus subject plus. Verb first form. Verb first form. Plus ing. Plus ing. Plus object. Plus object. Plus question mark. Plus question mark. And in negative interrogative या interrogative negative is MR is MR plus subject plus subject plus not plus not plus verb first form plus verb first form plus ing plus ing plus object plus object plus question mark plus question mark. So after it WH word will be used. Okay, and after it is MR plus subject plus not plus verb first form plus object plus question mark. Okay, so now we will come on the point uses. Now I'm telling you about the uses, then express an action. Continuing at the time of speaking. Students, here is the need to say about speaking. समझ में आया कि कहने का मतलब ये है कि एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसा एक्शन एक्सप्रेस किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो कि कंटिन्यू रहता है और वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने के समय भी वो कंटिन्यू में होना चाहिए. ओके जस्ट एज नाउ नाउडेज दीज आर द वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस कंटिन्यूस टेंस. कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Hello students, are you capable to give answer? He is working. She is running. She is running. Okay. She is running. Next, can you use this type of sentence where now is used? We are learning English now.
now. Okay, so this is the period of English. That is why, what are we doing? We are learning English now. Okay, so now word here represent. What represent here? Present continuous tense. Yes, boliye. No, ma'am. Anybody want to ask anything? No, ma'am. सब चीज क्लियर हो गई. इसमें बहुत कुछ हार्ड नहीं है. सिंपल सी बात है कि स्पीकिंग के समय जब हम कुछ कह रहे हो उस समय जब हम टेंस का यूज करें तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. ओके, जैसे ही इज प्लेइंग नाउ, वह आप खेल रहा है. ओके, तो ये क्या है? ये इट मींस आपका कंटिन्यूअस टेंस है. इट्स वेरी सिंपल थिंग. ओके, और नाउ और नाउडेज दोनों ही वर्ड्स ऐसे, वो दोनों ही वर्ड्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द वर्क इज इन कंटीन्यूअस टेंस. ओके, सो हैव यू रिटन दिस? यस मैम. ओके, सो मे आई रव फॉर्मूलास आल्सो? यस मैम. हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? यस मैम. All should be written. ये मत कहना बाद में कि yes, हमने नहीं लिखा. I will check your copy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रामर की कॉपी अलग से बनानी है. ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उसमें हाँ अलग से तो आई थिंक उसकी नीड रहेगी क्योंकि जो आपका फर्स्ट वाला जो कॉपी है उसमें भी दो बुक्स हैं तो दोनों बुक्स का आपका वर्क होगा. उसमें बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाना है, ऐसा हल्का सा रजिस्टर मतलब बना लीजिए. ज्यादा पेजेस नहीं, बहुत थिक नहीं होना चाहिए. ठीक है, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं कि आप बहुत बड़ा रजिस्टर बहुत हैवी लेके आए. सिंपल होना चाहिए रजिस्टर और उसमें वर्क कर लीजिए. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट. इंटरमिटेंट एक्शन. देखो बच्चों, ये नहीं है कि हम इंटरमिटेंट पूरे सेंटेंस की जरूरत नहीं. इंटरमिटेंट एक्शन, इंटरमिटेंट एक्शन का मीनिंग क्या होता है? किसी को बताए इंटरमिटेंट मीनिंग ऑफ इंटरमिटेंट? डू यू नो? कोई भी बच्चा बता सकता है क्या इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या होता है? नहीं बता सकते तो नो कह दीजिए. नो मैम. ओके, कोई भी वर्क का होना और बीच में इंटरप्ट हो जाना. इंटरप्ट का मीनिंग जानते हैं? बाधा आ जाना, ऑब्स्टिकल्स आ जाना. ओके, तो इंटरप्ट से ही ये वर्ड बना है इंटरमिटेंट, यानी रुक रुक कर किसी काम का होना. ओके, तो ये जो एक्शन रुक रुक कर होते हैं उनके लिए ही, उनके लिए भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. ठीक है, कैसे? कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस टेंस ऑफ इंटरमिटेंट एक्शन? कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ वर्क, इंटरमिटेंट वर्क? कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जो इंटरमिटेंट वर्क का हो? नहीं, इट्स वेरी सिंपल. आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज. आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज. आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज. यस, परफेक्ट सेंटेंस. एग्जांपल लिख लीजिए इसमें. तो क्या है? आई एम राइटिंग अ बुक
these days. Okay. Perfect. तो अब इसमें हमको क्या मिलेगा ऐसे इस तरीके से ये लिखा इसमें fill in the blanks में लिखना होगा. तो आपको ब्रैकेट ये चीज यहां पर हमने ब्रैकेट में कर दिया. आपको यहां पर क्या मिला राइट ओके. अब हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बताइए. दीज डेज यस. तो दीज वर्ड जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है. ओके समझ रहे हैं. yes, अगर इसके प्लेस पर दोज होता देन ठीक है. दोज होता तो क्या होता पास्ट कंटिन्यूअस. ओके सो दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज. ओके दिस किसके लिए यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए और दैट किसके लिए यूज होता है परफेक्ट की बात ना क्यों कर रहे हो अभी. इंडेफिनिट की बात हो रही है. दिस किसमें यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दैट किसमें यूज होगा पास्ट. यस अभी दिस किसमें यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दोज किसमें यूज होगा पास्ट कंटिन्यूअस. ये चीजें आपको रिमाइंड करने के लिए है. छोटी छोटी सी मिस्टेक्स का मार्क्स कट जाता है कॉम्पिटिटिव में. आप इतना सा आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चंस हम सही करके आ गए हैं लेकिन हमारी छोटी सी मिस्टेक्स हमको बहुत नीचे पे जा देती है. टू मार्क्स के लिए हम इतनी बड़ी छोटी छोटी सी हम सोचते हैं हमें ये तो सब आता है इसको तो हमें बहुत अच्छे से आता है इस पर हम ध्यान नहीं देंगे. लेकिन यही छोटी सी मिस्टेक हम बड़ा बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ लेते हैं. जितना टिपिकल वर्क होगा ना सारा पढ़ लूंगी या पढ़ लेंगे हम लोग फिर हम ये सोचेंगे कि टेंसेस तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं. ओके लेकिन यहीं पर हमारी मिस्टेक हो जाती है और फिर हमें बहुत बड़ा खामियाजा झेलना पड़ता है उसका. समझ गए. तो दो नंबर के बढ़ने से और घटने से ही हम लोग बहुत नीचे आ जाते हैं मैरिट में और टू मार्क्स आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नॉट ओनली हियर बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वहां आपके पूरे फ्यूचर का सवाल होता है. सो दैट्स वाई यू शुड रिमाइंड इट कि इतनी सी बात में हमने ध्यान नहीं दिया दीज और दोज का और हमारा पूरा मार्क्स कम हो गया. ओके तो हम हमेशा याद रखेंगे अब से कि इसमें क्या आएगा. दीज मतलब कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस और दोज मतलब पास्ट कंटिन्यूस. ओके नेक्स्ट तो इसमें एक एग्जाम्पल और लिख लो. शी इज निटिंग अ स्वेटर. निटिंग के एन आई हम इसलिए लिखा रहे हैं इसका मीनिंग क्या मालूम आपको अच्छी तरह से आता भी है ये नहीं. निटिंग सिलना मैम बुनना. यस और सिलने को क्या बोलते हैं टीचिंग स्टिचिंग और सुइंग सेइंग भी बोलते हैं. ओके यस मैम. तो शी इज निटिंग अ स्वेटर फॉर हर हस्बैंड. अब देखिए अगर नाउडेज नहीं लिखा है तो भी चलेगा. ओके क्योंकि स्वेटर को एक दिन में नहीं बुन जाएगा सभी को पता है. तो इसी तरीके से बुक कोई एक दिन में नहीं लिख जाएगी. तो पक्का पता है हम लोगों को कि ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा. समझ गए. क्योंकि कोई काम अगर एक दिन में पूरा हो जाने वाली स्थिति में होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं कौन सा टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक दिन में यूज हो. अरे भाई एक दिन में अगर वर्क पूरा हो जाता है तो इनडेफिनिट यूज करेंगे. यस और जब लॉन्ग प्रोसेस लॉन्ग उसमें भी होती है कंटिन्यूस में. ठीक है क्लियर टू यू. यस मैम. हाँ यस मैम. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. फ्यूचर प्रोग्राम्स. फ्यूचर प्रोग्राम्स. ओके
verb denoting movements या denoted especially क्या डिनोट करते हैं स्पेशली मूवमेंट. बच्चों हमने अभी एक यही फ्यूचर प्रोग्राम जो था ना ये हमने इंडेफिनिट में भी पढ़ा था हमने इंडेफिनिट में. ठीक है हम फ्यूचर प्रोग्राम था. हाँ हाँ फ्यूचर फिक्स्ड फ्यूचर प्रोग्राम था. ठीक है अब यहाँ पर भी फ्यूचर प्रोग्राम्स ही है डिनोटेड स्पेशली मूवमेंट लेकिन ये किसको करता है मूवमेंट को डिनोट करता है. समझ गए वो भी क्या था वो फिक्स्ड प्रोग्राम था लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है ये भी तो समझो. पहले देखिए इसमें क्या है स्पेशली फॉर मूवमेंट यूज किया जाता है जबकि उसमें जैसे अराइव्स जयपुर क्या बताया था मैंने पीएम मोदी अराइव्स जयपुर या रीचेस जयपुर. ठीक है तो वहां क्या था तो उसमें भी नेक्स्ट मंथ है ना लेकिन वहां पर क्या था कि अराइव्स वर्ड यूज किया गया था और फिक्स प्रोग्राम था. अब यहां पर फ्यूचर प्रोग्राम्स आर डिनोटेड विद मूवमेंट जैसे वी आर गोइंग टू मुंबई मान लीजिए हम लिख देते हैं वी आर गोइंग टू मुंबई टुमोरो. क्या है इसका मतलब बताइए. हाँ तो अब इसमें क्या चीज है उसमें फिक्स प्रोग्राम है उसमें भी फिक्स प्रोग्राम है इसमें भी टुमारो है और उसमें भी टुमारो है तो अलग क्या हुआ इसमें जा रहे हैं गोइंग आ रहे हैं यस मूवमेंट और जो मूवमेंट होगा अंतर छोटा सा है ध्यान रख लेना लेकिन हमसे गलतियां हो सकती हैं इसमें. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख सकते हैं इसकी जगह बट हमको हमेशा ध्यान रखना है इस बात का. हाँ जी मैम मूवमेंट तो उसमें भी हो रहा था ना. किस में हो रहा था बेटा. मैम मुझे पहले वाला इंडेफिनिट वाला सेंटेंस था उसमें. हाँ तो उसमें सेंटेंस क्या था सेंटेंस बोलिए. ठीक है मैं अभी बताती हूँ आपको उसमें डिफरेंस क्या है. सेंटेंस बोलिए बच्चों. किस बच्चे ने पूछा था पीएम अरा हाँ मैम शक्ति. हाँ जी बोलिए बोलिए शक्ति बोलिए पीएम. हाँ मैं सेंटेंस लिख के आपको डिफरेंस बताती हूँ. पीएम मोदी मैम पीएम मोदी अराइव्स जयपुर टुमारो. देखो हाँ मैं अभी एक सेकंड में आपको डिफरेंस बता देती हूँ. अराइव्स जयपुर टुमारो. ओके अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है आई एम टेलिंग यू. यहां पर अराइव्स वर्ड यूज किया गया है मूवमेंट इसमें भी है आई एम एग्री विद इट लेकिन यहां पर फिक्स्ड प्रोग्राम है. ओके यहां पर जो प्रोग्राम है इट मे बी चेंज. ओके ये जो प्रोग्राम है बड़े लोगों के प्रोग्राम्स या फिर जो फिक्स्ड प्रोग्राम्स हैं ये इंडेफिनिट टेंस यहां पर इसलिए लिए हैं कि उनकी जो मीटिंग है इट इज फिक्स्ड फॉर अ टाइम. इन द सेम मैनर हेयर इज द मूवमेंट वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो. ओके तो यहां पर मूवमेंट फिक्स है. हाँ इनकेस अगर ऐसी कोई स्थिति हो कि बहुत ही टिपिकल सिचुएशन आ जाए तो मे बी उनका ऑफ हो सकता है कि वो नहीं वहां पर पहुंचे लेकिन ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर फिक्स है. ठीक है हालांकि मूवमेंट है ये मैं मानती हूँ लेकिन उनकी मीटिंग जो है फिक्स है दैट इज वाई यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया है और ये एक मूवमेंट को प्रेजेंट कर रहा है दैट इज वाई वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो. इट इज रिप्रेजेंटेटिंग रिप्रेजेंट हेयर. ओके तो आपको कुछ समझ में आया भाई.
हु इज आस्किंग शक्ति यस यस मैम ठीक है क्लियर हो गया बेटा इसलिए यस मैम नाउ राइट डाउन नेक्स्ट व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट नेक्स्ट एग्जांपल ओके तो यहां पर भी यही है व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट इसमें भी आपका देखिए क्वेश्चन जरूर पूछा गया है इसमें लेकिन यहां पर भी मूवमेंट के लिए से रिलेटेड है जैसे कि आज रात तुम क्या कर रहे हो तो यहां पर आपको मूवमेंट से रिलेटेड बात थी इसलिए आर यू डूइंग यूज किया गया है ओके लेकिन अगर प्रोफेशनली और सिंपल बात होती तो क्या लिखा होता व्हाट डू यू डू ठीक है जबकि यहां पर क्या है आज तुम क्या कर रहे हो आज रात तो ये इसलिए यहां पर यूज किया गया है ओके नेक्स्ट दीज आर यूजेस विच आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिए इनके एडवर्ब्स लिखिए कौन कौन से एडवर्ब्स यूज होते हैं कोई बता सकता है कौन कौन से एडवर्ब्स यूज होते हैं नाउअडेज यस एट प्रेजेंट टुनाइट ये तो कोई एडवर्ब्स में से नहीं आएगा लेकिन चलो ठीक है नाउ और नाउडेज रिसेंटली नहीं रिसेंटली आपका परफेक्ट में यूज होता है ओके एनीथिंग एल्स दीज ठीक है आगे समझ में Nowadays, at present, or in a moment, ये भी हो सकता है ठीक है Next, अब जैसे still और often दो है और इसमें still और often can be used, ठीक है Still Mom, or exactly. often. Presently. क्या बोल रही है प्रेजेंटली जी मैम हो सकता है क्या यूज बेटा ये जो प्रेजेंटिंग वर्ड है ना अब देखिए इसमें डिफरेंस देखिए देखो मैम ऑफन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था हाँ ऑफनली वी कैन यूज है ओके एंड स्टिल वी कैन यूज है आर आल्सो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ इट आल्सो देखिए प्रेजेंट और प्रेजेंटिंग बोल रही थी प्रेजेंटली प्रेजेंटली एलवाई जी मैम नहीं बेटा अगर किसी ने आपसे बोला है ना ये वर्ड अगर किसी ने तो नहीं है सही नहीं है ये देखो प्रेजेंट का टू मीनिंग्स होता है प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है जो अभी कंटिन्यू में चल रही होता है अभी होता है ठीक है और नेक्स्ट प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है और प्रेजेंट का मतलब एंड मैम किसी को प्रेजेंट करना कुछ चीज अरे भैया वो गिफ्ट हो गया ना अच्छा हाँ और क्या होता है प्रेजेंट का मतलब अच्छा ये प्रेजेंट मैम किसी जगह उपलब्धि होना किसी जगह उपलब्ध होना शो प्रेजेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है शो है ना इसी के से अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसका एक एक वर्ड यूज होता है प्रेजेंस पी आर ई एस ई एन
सी ई, है ना? Yes, है ना प्रेजेंस? तो इसके और इसके अंदर क्या अंतर है ये बताओ मैम. इसमें तो जो आपने एक सेकंड, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, एक मिनट. हाँ ओके, ही इज प्रेजेंट हियर एंड उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस. गॉड फिर से हटाओ. तो बच्चों यहां पर नेसेसरी यानी सी प्लस ए आर वाई. अब यहाँ पर दो सेंटेंस है बच्चों, जैसे कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, है ना? तो कैसे आते हैं अभी हम तुम्हारे को बताते हैं यहाँ पे कि जैसे ही इज प्रेजेंट है, ठीक है? अब वो मान लीजिए ये पूछते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हो गया. सुनाई दे रहा ना सबको? यस मैम. यस मैम. अब यहाँ पर प्रेजेंट यूज हुआ है ना, और यहाँ पर प्रेजेंस यूज हुआ है. तो पायल ये बताइए कि जो पहला वाला सेंटेंस है ही इज प्रेजेंट हियर, इसका मींस क्या निकल रहा है? मैम वो यहाँ पे है क्या? अरे क्या नहीं, वो यहाँ पर प्रेजेंट है. हाँ तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्ड देखो, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें यूज की गई हैं. ही यहाँ पर क्या है बताइए? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या है? यस मैम. प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन सा वर्ब? अरे आई सॉरी मैम, प्रोनाउन. हाँ प्रोनाउन, ये कौन सा प्रोनाउन है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े होंगे, बाद में पढ़ाएंगे हम भी. बताइए कौन सा प्रोनाउन है ये? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, यस गुड. हु इज टेलिंग? मनीष प्रजापति. ओके पर्सनल प्रोनाउन. ओके तो ही यहाँ पर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. अब ही इज प्रेजेंट हियर, व्हाट इज प्रेजेंट हियर? वर्ब. वर्ब है क्या ये? ही इज. लगते सीरी अभी दिखा. हाँ और एनीबडी एल्स? ही इज प्रेजेंट हियर. उपस्थित वर्ड है तो वह यहाँ उपस्थित है. क्या है ये चीज? मैम नाउन. नाउन तो हो ही नहीं सकता ना, नाउन कैसे हो सकता है ये? ओके क्या चीज है ये? पहले वर्ब. हाँ मेन वर्ब है ये. हाँ तो ही इज प्रेजेंट हियर और व्हाट इज हियर? कोई भी नहीं बता रहा है व्हाट इज हियर. ऑब्जेक्ट तो है पर हेयर क्या चीज होती है? मैम हेयर देयर इस तरीके से. हाँ हेयर देयर इस तरीके से, पर होता क्या है वो? ये हेयर जो है ना, क्या होता है हेयर? मैम नाउन. नहीं मालूम? एडवर्ब. देखो एडवर्ब मैंने पढ़ा अभी तुम लोगों को, शायद 10th में नहीं पढ़ाया. एडवर्ब क्या होते हैं? मोबाइल पॉइंट. इनको मोबाइल पॉइंट, हाँ भैया बता रहे, मोबाइल पॉइंट भी कहते हैं. क्यों मोबाइल पॉइंट कहते हैं? क्योंकि इनको स्विच ऑफ किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है. इसको आप अगर हटा भी दोगे ना, क्या सेंटेंस को कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा ना, वी कैन रिमूव इट. तो बेटा जब हम इसको रिमूव कर सकते हैं
है ना, तो इसलिए ये एडवर्ब्स होते हैं ऐसे कि इनको हटाया भी जा सकता है और इनके पास मोबाइल, इनको मोबाइल वर्ड भी बोलते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, कुछ पहले वाले एग्जाम में, 2-3 साल पहले में, कि क्या है ये एडवर्ब क्या है। उसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी था कि मतलब एक आंसर ये भी था मोबाइल पॉइंट, मोबाइल पॉइंट वाला आंसर सबसे करेक्ट था। क्यों भाई? क्योंकि देखो इसको स्विच ऑफ करा, जैसे मोबाइल को स्विच ऑफ किया जा सकता है उसी तरीके से इसको हटाया जा सकता है। ही इज प्रेजेंट, सेंटेंस इज कंप्लीटेड। ओके, अब अगर हम यहाँ पर हेयर यूज करते हैं तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, ठीक है, जो कि वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, ठीक है। तो इसलिए ये मोबाइल वर्ड है और इसलिए इसको ये एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब जो कि वर्ब के बारे में और अनदर वर्ब और नाउन के बारे में स्पेशलिटी, मतलब इनके लिए स्पेशल बताते हैं। देखिए बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो हम कंफ्यूज। हेयर, हेयर कौन सा, चलिए बताइए। अच्छा एडवर्ब है ये, तो विच टाइप ऑफ एडवर्ब, चलो इतना ही पढ़ाएंगे इसके बाद। किस तरीके का एडवर्ब है ये बताओ, कौन सा एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब होते हैं। प्लेस, हाँ अच्छा। फिर है हिज प्रेजेंस इज नेसेसरी, उसकी प्रेजेंस नेसेसरी है। यहाँ पर ये जो वर्ड है हिज प्रेजेंस, यही प्रेजेंस कैसे यूज हुआ है? नाउन। हम्म, क्या बन गया ये यहाँ पर? नाउन। अरे भैया ये तो हो गया आपका हिज, हिज क्या है ये, ये सब्जेक्ट। अच्छा, और प्रेजेंस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसी को, हिज को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ? उसकी प्रेजेंस नेसेसरी है, तो अब ये बताओ मुझे उसका आना जरूरी है, क्या है उसकी इम्पोर्टेंस? और इम्पोर्टेंस किसको किसको शो करता है भाई? इम्पोर्टेंस किस चीज को शो करता है? कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को शो करता है? चलो अच्छा बोल दिया, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एक सेकेंड, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बताओ बताओ ना, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो क्या हो गया adjective. वो एडजेक्टिव, यस। तो व्हाट इज दिस हियर? एडजेक्टिव। अच्छा, और इसके साथ साथ यूज किया गया है, इसलिए क्या है ये? एडजेक्टिव। हिज प्रेजेंस इज नेसेसरी, इसलिए उस व्यक्ति की ये इंपॉर्टेंस बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंस के रूप में यूज किया। हाँ, अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ, इसलिए एलवाई तो लगता ही नहीं बेटा, यहाँ पर हम लोग अपना मन से कुछ भी इंग्लिश बना लेते हैं, है ना? नाउ इज इट क्लियर टू यू? मे आई रन? यस सर। ओके, टुमारो आई विल एक्सप्लेन, नाउ द टाइम इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।